तो आज देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे। तो आजकल देखिए मेथी का सीजन है और बहुत ही ताज़ा ताज़ा मेथी आ रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम। तो आज हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे, तो आज हम बनाएंगे मेथी का हम पराठा बनाएंगे आप लोग के लिए। तो हम ऐसा पराठा बनाएंगे जो आप 8 दिन 10 दिन उसको रख भी सकती हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप सफ़र में उसको ले जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं। तो यहाँ पे आज हम ताज़ा मेथी मेरे यहाँ लाए हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 ठे लाए थे, तो हम 1 ठे क्या किए जो इस तरह से हम काट लिए हैं। तो यहाँ पे हम काट के और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो अब इस मेथी को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम पहले से ही मेथी को इसमें अच्छे से हम इसको देखिए इस तरह से हम इसको हम इस तरह से दर्रा टाइप में इसको हम इसमें काट लिए हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसलिए हम रखे हैं बचा के, ताकि हम आपको दिखाएंगे जो हम किस तरह से इसको हम काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें इसको रख लिए हैं और हम क्या करेंगे, तो इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम देखिए इस तरह से इसको हम चलाएंगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ना पीसने का झंझट है और ना चाकू से काटने का झंझट है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इस तरह से जब पीट इसको हम इस तरह से हम दर्रा टाइप में हम पीस लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो इससे तो एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे आप देख सकती हैं, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हुआ है कट के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, तो इसी तरह से हम पीस लेंगे, आपको हम दिखाएं। तो यहाँ पे देखिए ना मिक्सी चलाने का झंझट है और ना कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम इसमें मसाला क्या क्या डालेंगे, तो मसाला में क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम 6 से 7 कलियाँ लहसुन का ले लिए हैं। यहाँ पे छोटा सा हम अदरक का टुकड़ा लिए हैं और यहाँ पे हम 5 हरी मिर्च ले लिए हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, तो इसी में हम अच्छे से हम दर्रा टाइप में हम इसको भी हम इसमें काट लेंगे। तो चलिए हम पहले हम काट ले रहे हैं और इसको पीस ले, फिर हम आपसे मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे मेथी पत्ते को हम यहाँ पे चॉप कर लिए हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च और लहसुन को भी हम अच्छे से बारीक से हम चॉप कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए हम इसी तरह से देखिए हम चॉप कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में परात ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आज हम मेथी का पराठा बनाएंगे। तो मेथी के पराठा के लिए हम क्या क्या लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आटा ले लिए हैं। तो आटा को हम क्या करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे आटा हम 1 कप ले लिए हैं, हम यहाँ पे 1 कप आटा और डालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम 1 कप आटा हम और ले लिए हैं। तो यहाँ पे आटा मेरा आधा केजी के आसपास है आटा। यहाँ पे हम आधा केजी 500 ग्राम, ग्राम में 500 ग्राम और कप में 2 कप। और अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ पे मैदा लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ आटा का भी बना सकती हैं, लेकिन मैदा डालने से इसका बाइंडिंग बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें इस तरह से देखिए हम कलौंजी डाल लेंगे, इसको मंगरेला भी कहते हैं। तो इस तरह से हाथ से हम इसको मीस लेंगे और हम डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन को भी हम इस तरह से हथेली से ऐसे करके और फिर हम डाल देंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे जरा सा थोड़ा सा हम चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा तीखा चटपटा अच्छा बनेगा। और अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम हल्का सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे,
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम जीरा पाउडर डाल दिए हैं और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चम्मच से, हम दो चम्मच यहाँ पर, मैं ये पिघला हुआ नहीं है, हम यहाँ पे दो, अगर हम इसको हम पिघला देंगे तो यहाँ पे ये दो चम्मच, बड़े चम्मच से दो चम्मच यहाँ पे हम घी डाले हैं। आप चाहे तो इस जगह रिफाइन ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर में घी डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक एक सीक्रेट है, यहाँ पे हम चना का, चना पीसा हुआ हम चना का बेसन ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम घर में ही बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम ये डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है जो पराठा आप बनाएंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। आप चाहे तो इसको आप 10 दिन 15 दिन तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं, और आप चाहे तो सफ़र में भी इसको ले जा सकती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कस्तूरी मेथी ले ली हैं। तो आप सोच रही होंगी, जब मेथी का हम पराठा बना रहे हैं तो इसमें कस्तूरी मेथी का क्या काम है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, उसका टेस्ट अलग आएगा और इसका टेस्ट अलग आएगा हटके। तो इस तरह से आप जब बनाएंगी तो आप फिर सोचेंगी जो हम पहले क्यों नहीं ये रेसिपी देखे। और अब बारी आती है जो हम पीस के यहाँ पर में, यहाँ देखिए मेथी और अदरक लहसुन हरी मिर्च जो हम रखे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से मोइन दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको मोइन देंगे और हम आटा बिल्कुल, हम जैसे हम आटा गूंथते हैं तो हम उसी तरह का आटा बनाएंगे, आटा लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम टाइट आटा लगाएंगे, हम लूज नहीं करेंगे, हम थोड़ा टाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा, हल्का सा, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा गनगना पानी ले लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम इसको, पहले हम इसको अच्छे से मोइन दे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा हम क्रीम ले लिए, तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो पीसा हुआ मेथी है, यहाँ पर मैं देखिए जो मेथी को हम अच्छे से क्रश कर लिए थे, तो अब यहाँ पे हम मेथी डाल लेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा, जब इस तरह से बनाएंगी बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा, या आप पूरी बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पे हम देखिए धीरे धीरे इसको हम गूंथेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे, क्योंकि मेथी में जो थोड़ा सा पानी था तो इसलिए हम पानी अभी नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से पहले हम देख ले जो मेथी का पानी इसमें कितना सोख जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम एक चीज डालना बिल्कुल भूल गए, तो यहाँ पे हम नमक डालना भूल गए। तो यहाँ पे देखिए हम एक टीस्पून से थोड़ा कम हम यहाँ पे नमक डाल दिए। आप चाहे तो इस जगह पर में आप सिंधा नमक या काला नमक भी डाल सकती हैं, उससे बहुत ही टेस्टी बनता है पराठा। तो आप इस तरह से, तो अब यहाँ पे देखिए हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अब हम इसी में इसको इस तरह से हम करके, और फिर हम क्या करेंगे, तो इसको हम अच्छे से, और आटा को अक्सर आप इस तरह से देखिए, इस तरह से जब हम दोनों हाथ लगा लिए, जब इस तरह से आप आटा को इस तरह से सानेंगी, इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट आपका जो पराठा है बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम आटा को सान लेंगे, इसका डो बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम दोनों हाथ लगा लिए हैं और हम इस तरह से आटा का डो लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको ज़्यादा नहीं गूंथना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगा के, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो हमको आटा इस तरह से, यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लगा लिए,
तो अब आप देख सकती हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बारी आती है धनिया पत्ती की, तो धनिया पत्ती हम अब डाल देंगे और डाल के, और अब यहाँ पे हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा के और हम इसको ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हाथ में हम थोड़ा सा हम ऑयल लगा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम ऑयल लगा लिए हैं और इस तरह से हम इसको करके, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे। तो चलिए हम इसको रेस्ट करने दें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 10 मिनट हो चुका है। यहाँ पे जो आटा लगाए थे, तो आटा देखिए मेरा कितना सॉफ्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको, हम थोड़ा सा और अच्छा से अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखिए हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमको गूंथना नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हम पैन चढ़ा लिए हैं। तो अब हम क्या, आप चाहे तो तवा में भी बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पैन में बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे मेथी का पराठा। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे हम आटा को हम इस तरह से हम ले लिए हैं। तब यहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा सा इसको हम मड़द लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, और अब यहाँ पे हम इसका लोई काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे हम लोई काट के और हम साइड में रखेंगे। तो आप लोई अपने हिसाब से काटिएगा, मोटा पतला जिस टाइप का आपको बनाना हो। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे हम 4 पराठे का काट लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से हम बेल लिए हैं, और बेल के अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह से हम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से बेल के, और हम यहाँ पे चारों बेल के और प्लेट में रख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम एक पराठा कैसे बनाएंगे, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम पहले हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इसको बेलेंगे, और बेलने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, और फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे घी लगा के थोड़ा सा हम यहाँ पे आटा लगा लेंगे, और अब हम इसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से आज हम ट्रायंगल में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पराठा है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह का भी हम बनाए हैं और सादा भी हम बनाए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम पैन चढ़ा दिए हैं, पैन मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम पराठा सेक, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पैन है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऑयल नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डाल लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह से हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल लिए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें हम डाल देंगे, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के, और उसके बाद फिर हम अच्छे से इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकती हैं। तो ये देखिए
दोनों तरफ से कितना बढ़िया से ये सिक चुका है। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ये फूल भी गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान सी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से अब हम इसको सेकेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे रिफाइन ऑयल, और अब हम चारों बगल इसको इस तरह से हम फैला के और लगा देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, अब इसको भी हम दोनों तरफ से देखिए कितना बढ़िया से हम सेक लिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसको दूसरे प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम निकाल लिए हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर में चार बनाए हैं, यहाँ पे ट्रायंगल शेप का भी बना दिए हैं। तो अब हम थोड़ा सा उसको सिकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सिक गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लगा के इस तरह से हम इसको हम सेक लेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ठंडी के मौसम में आजकल बहुत ज़्यादा देखिए मेथी का सीज़न है, तो आजकल मेथी का पराठा, मेथी का पूरी, मेथी का कचौड़ी और मेथी का सब्जी, साग मेथी का, जब इस तरह से खाएंगे, और मेथी बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो देखिए इसका हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा जब इस तरह से आप बनाएंगी, तो बहुत ही टेस्टी। इसमें नमक डाला हुआ है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकती हैं बिना सब्जी के, बिना चटनी के भी आप खा सकती हैं इस तरह से। और हम पहले इसका हम थेपला भी डाले हैं, तो हम लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। हम इसका मेथी का थेपला भी बना के डाले हैं। तो अब देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो चलिए अब हम प्लेट में इसको निकाल लें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम प्लेट ले लिए हैं, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जी निकाल लिए हैं, और अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से हम यहाँ पे हम पराठा रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मेथी का पराठा हम बनाए हैं, तो इस तरह से हम अब मेथी का पराठा भी हम डाल लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल लिए हैं, साथ में आलू गोभी की सब्जी, यहाँ पे लड्डू, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम ये चूरमा का लड्डू बनाए हैं। और अब यहाँ पे देखिए हम दो हरे मिर्च को अच्छे से हम तल दिए हैं। तो यहाँ पे ये दो हरी मिर्च हो गई, और अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर में मेथी का पराठा और सब्जी लड्डू, लड्डू के साथ और मिर्च के साथ हम परोस दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप चटनी के साथ भी आलू का पराठा खा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया मेरा आलू का पराठा, हाँ चटनी का फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेथी का पराठा बनके तैयार हो चुका है। तो हम इस तरह से हम बनाए हैं, तो यहाँ पे हम दो तरह से बनाए हैं, एक हम इस तरह का बना दिए हैं ट्रायंगल शेप में, यहाँ पे आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम ट्रायंगल शेप में बना दिए हैं, और इसको हम रोटी जैसा प्लेन बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, और इस तरह से देखिए ये कितना ही मुलायम है। यहाँ पे देखिए आप देख सकती हैं, यहाँ पे देखिए कितना मुलायम है, इस तरह से देखिए ये मुट्ठी में आ जा रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी आप रख सकती हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा ये पूरी बनके तैयार हो चुका है, कुछ इस तरह से मेथी का पराठा बनके। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए
मेथी का पराठा बनके तैयार हो चुका है, लड्डू और यहाँ पे हरी मिर्च के साथ। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए और खा के बताइए जो ये कैसा बना है, और आप लोग भी अपने घर में बनाइए अपने फैमिली और अपने बच्चे के साथ, एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है तो उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, सर्दी के मौसम में मेथी का पराठा और आलू की सब्जी या हरी चटनी के साथ कितना टेस्टी लगता है, तो ये आप जब बनाएंगी खाएंगी तब आपको पता चलेगा। तो देखिए आज हम आप लोग के लिए बहुत अलग तरीके से, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत हटके थोड़ा सा हम बना के आप लोग को दिखाए हैं। तो आप ज़रूर अपने घर में बनाइए और वीडियो ज़रूर इंजॉय करिए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इसी तरह से बनाएं। बहुत ही अच्छा और अमेजिंग डिश है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, रूबी झा के किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे, तो आज हम बनाएंगे मेथी का पराठा। तो यहाँ पे देखिए मेथी का पराठा हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल, आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं, 10 दिन 15 दिन तक भी आप स्टोर करके रख सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप सफ़र में ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए कितना मुलायम है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए हम क्या क्या लेंगे तो वो भी हम आपको दिखाते हैं।